नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, इसका नाम है यूकेस्पीड राइड। सुबह बजे के बजे हैं 5:30 और हम अमृतसर जाने को बिल्कुल तैयार हैं। तो भैया हम जा रहे हैं अमृतसर, पौंटा होते हुए, अम्बाला होते हुए, जलंधर होते हुए। चलिए एक छोटा सा चेक हो जाए, पेट्रोल पूरा है, चार्जर चल रहा है, GPS ऑन है। तो भैया हम क्रॉस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश, अभी खुलाएगा जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को अलग अलग करता है। ये पुल क्रॉस करते ही हम एंटर हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में और शुरू हो जाएगा पौंटा साहिब। यहाँ पे हम पौंटा साहिब के गुरुद्वारे में रुकेंगे, प्रसाद खाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। भैया देखो हम निकले देहरादून से 6:30 बजे, सुबह कुछ खाया नहीं था भाई, अब लग रही है भूख। हम तोड़ रहे हैं स्टफ्ड पराठे मैकडोनल्ड्स के, हमारे लिए स्टफ पराठे भाई, भूख इतनी देर लग रही है। पंजाब में आ गए तो मैकपा मोहपैक भूल जाओ, कुलचे छोले स्टफ पराठे लस्सी है ना भाई। अभी यहाँ पे हम अभी लुधियाना से अभी हम थोड़ा बहुत पहले ही हैं कोई मैकडोनल्ड, मतलब यहाँ से अमृतसर का 2-2.5 घंटे और है भाई साहब, और कोई दिक्कत नहीं है, मज़े कर रहे हैं। अभी होटल बुक नहीं किया हमने, भाई कहाँ जाके रहेंगे, बट ठीक है यार मज़ा आ रहा। पहली जर्नी है अपनी बाइक के साथ, अपनी वाइफ के साथ इतनी लंबी बाइक में, तो बंदे को आराम से ही आना चाहिए रुकते रुकते। तो भैया स्टफ पराठों से पेट नहीं भरता, अब आए हैं कुलचे छोले की बारी। भैया ये देखो गन्ना, पीछे गन्ने का जूस और ये भाई, इतने गन्ने इस इलाके में भाई साहब, गन्ने गन्ने। अमृतसर 1 hour 1 minute 50 kilometer। भैया 50 किलोमीटर में हमने लिया है गन्ने के जूस का ब्रेक। भैया लगता है अमृतसर आ गए हैं, 400 किलोमीटर का सफ़र था, 7 घंटे लगे आराम से रुकते रुकाते हम आए हैं, बीच में गुरुद्वारों के दर्शन करते आए हैं, खाते पीते आए हैं। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बाइक बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक
एग्रेसिव बाइक है, थोड़ा सेटिंग पोजीशन की दिक्कत रहती हुई है और आदत भी नहीं है थी। तो बस थोड़ी कमर में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, बाकी तो सब बेस्ट है। देख के मज़ा आ गया, लग रहा है अमृतसर में आए हैं, गोल्डन टेंपल में आए हैं, सब कुछ गोल्ड गोल्ड। अब हम ढूंढ रहे हैं अपना होटल, कोई अच्छा सा मिल जाए, कमर सीधी हम अपनी कर लें। डेस्टिनेशन पे पहुँचने का अलग सा सुकून सा मिलता है कि भाई सब अच्छी तरह राइड हो गई है, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई गलत नहीं, कुछ नहीं, सब बेस्ट हुआ है। तो भैया हम आए हैं मक्खन रेस्टोरेंट, एक वर्ल्ड फेमस रेसिपी ट्राई करने के लिए, वो है फिश फ्राइड सिंगारा। ये वर्ल्ड फेमस रेसिपी है, फ्राइड फिश है, सिंगारा फिश है, जो कि वर्ल्ड फेमस है और ये मिलती है मक्खन रेस्टोरेंट में, अमृतसर में बहुत फेमस रेस्टोरेंट है और ये है ही फेमस इसी चीज़ के लिए। भाई अब हम आए हैं केसर ढाबा में, यहाँ पे सब कुछ आपको देसी घी में मिलेगा, प्योर वेज है। भीड़ तो भैया मत पूछो, एक ही घंटे बाद नंबर आता है। भैया लोग खाते हैं पेट भर भर के, हमने खाया है कंगन भर भर के, इतना टेस्टी खाना। और अब मैं अनबॉक्सिंग नहीं अनपैकिंग करूँगा केसर वाले ढाबा की मटका कुल्फी का। अरे वाह, चम्मच भी साथ में दिए इन लोगों ने, ख्याल पूरा रखते हैं भाई अमृतसर वाले। वहाँ पे भीड़ बहुत थी तो हमने बोला चलो ले लेते हैं, होटल रूम में आके खाएंगे। आप पैकेजिंग से ही समझ जाइए कि इस चीज़ की कुछ क्वालिटी है, तभी ये केसर ढाबा इतना फेमस है। आपने ऐसा मटके कुल्फी की पैकेजिंग कहीं नहीं देखी होगी, कोई भी किसी भी अच्छे ब्रांड में नहीं देखी होगी। टेस्ट करके देखते हैं, छोटी सी चम्मच है, मतलब बहुत ही अच्छा सेटअप है। हाँ भैया मानना पड़ेगा क्वालिटी। भैया आए हैं कुल्चा लैंड में, ये इतना फेमस है, इसकी चार पांच फ्रेंचाइजीज हैं, ये चार पांच तरीके के कुल्चे छोले बनाता है जो बहुत टेस्टी होते हैं भैया, मानना पड़ेगा। भैया अब हम ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ स्वीट्स कहाँ हैं, भैया ये बहुत फेमस है अमृतसर में, एक बार आएंगे तो ज़रूर टेस्ट करिएगा फैमिली और इनकी चीज़। इसके बाद हम ढूंढेंगे आम पापड़ वाले को, बहुत स्पेशल है। तो भैया ये है राम रुबाया एंड सन स्पेशल और ओल्ड अमृतसर में फेमस आम पापड़। तो भैया अमृतसर आके पंजाबी जुतियाँ नहीं ली तो भैया कुछ नहीं लिया, ये है पूरे अमृतसर में फेमस रौनक पंजाबी जुतियों वाले, इनकी जुतियाँ बहुत अच्छी, बहुत टिकाऊ और बहुत फेमस होती है। भैया मैं भी ले रहा हूँ अपने लिए दो। भैया ये है दही पताशे डालती है। तो भैया ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा अमृतसर में, बहुत कुछ खाया, बहुत जगह घूमा, कुछ बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं भी कर पाया, और मेन तो मकसद था दर्शन करने का, दर्शन करे हैं और आशीर्वाद लिया है भगवान जी से। बाकी भैया अमृतसर के बारे में बोला जाए तो भैया एक से एक बहुत अच्छे लोग हैं,
कई बार तो मैं बताऊं आपको, रिक्शे वाले ने तो हमें फ्री में भी ड्रॉप कराया अमृतसर, कह रहे भैया दरबार साहब जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हम छोड़ देते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत रिच है कल्चर में, खाने पीने में। भैया दूध दही पनीर तो भैया इनकी क्वालिटी यहाँ अलग है, आप कहीं भी खाओ कड़ी का वो टेस्ट नहीं आएगा, चाय का वो टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ झाग वाली चाय पियो, यहाँ कड़ी खाओ, यहाँ का टेस्ट ही अलग है भाई, ये रिचनेस है खाने में, क्या बताऊँ। दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको अमृतसर दिखाने का, अपनी राइड आपके साथ शेयर करने का। आशा करता हूँ आपको पसंद आई है, पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दो भैया, और कोई कमेंट हो सजेशन हो तो भैया ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसका रिप्लाई तो ज़रूर करूँगा ही, और साथ साथ आपके सजेशन ज़रूर फॉलो करूँगा। वंदे मातरम, जय हिंद।